मांग करते हैं कि भारत सरकार को पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में आज रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मनाई गई है। उनके बेटे चिराग पासवान अपने पिता की पुण्यतिथि दिल्ली में मनाएं। आपको बता दें कि इस मौके पे तमाम पक्ष विपक्ष के लोग भी शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव भी इस मौके पर उपस्थित हुए। रामविलास पासवान के पुराने मित्र रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। रामविलास पासवान को याद करते हुए लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। सर बोलिए। सर ये माननीय रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि में है। हाजिर हुआ पुण्यतिथि श्रद्धांजलि अर्पित किया हमने। रामविलास पासवान जी साधारण नेता नहीं थे, सुनिए, गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, अल्पसंख्यक के मसीहा थे। जिंदगी भर, पूरे जीवन भर उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए मंडल कमीशन में भी ये थे। उसी समय लागू हुआ था मंडल कमीशन। और नहीं, हम लोग के बीच में आज नहीं है, आना जाना लगा हुआ है। आज उनकी सारी जिम्मेवारी चिराग पासवान के ऊपर है जी। और हम मांग करते हैं कि भारत सरकार को माननीय पासवान जी को देश रत्न के उपाधि दे। आपने देखा कि रामविलास पासवान को लेकर के लालू यादव भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि रामविलास पासवान जिस तरीके से मंडल कमीशन के समय में आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो आज भी देश याद करता है। वो चिराग पासवान को लेकर के कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी अब चिराग पासवान के ऊपर है, अब चिराग पासवान आगे बढ़ेंगे, चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में। पहले भी लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि चिराग पासवान ही सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि जब पिछले समय जो पार्टी टूटी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान की जगह जगह तारीफ करते नजर आए। और अब जाकर के उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को जिम्मेवारी सौंपी है कि रामविलास पासवान की जो राजनीतिक जो वारिस हैं वही हैं, और रामविलास पासवान की जो कह सकते हैं पहचान है, नाम है, उनके काम है, उस काम को चिराग पासवान ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को आज भी याद कर रहे हैं, क्योंकि एक समय में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान एक साथ राजनीति करते थे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से आज के समय में चिराग पासवान अकेला पड़े हुए हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी पार्टी टूटी, पशुपति कुमार पारा से अलग हो गए, उस मौके पे भी, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान के हाथ को मजबूत कर रहे हैं और जगह जगह चिराग पासवान के समर्थन करते नज़र आते हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन ये बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव अभी बिहार गए नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में ही कई बार चिराग पासवान की मुलाकात तो हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव से। और इस पुण्यतिथि के मौके पर भी लालू प्रसाद यादव करीब 2 घंटे तक यहाँ पर समय व्यतीत किया और उन्होंने बैठा, सारे परिवार से मिले, चिराग पासवान की माँ यानी कि रामविलास पासवान की पत्नी से भी मुलाकात किए। और इस मौके पर राहुल गांधी भी आए हुए थे, राहुल गांधी के साथ भी लालू प्रसाद यादव की लंबी बातचीत हुई, करीब 2 घंटे यहाँ पे बैठे और चिराग पासवान की जमकर लालू प्रसाद यादव ने तारीफ भी की। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।